नहीं दूं। देखो सबसे पहले क्लास थ्री स्पेन, मुझे इस पे क्लिक करने पे ना कुछ प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ रीड मोर, और जब मैं चाहता हूँ जब इस पे कोई क्लिक करे ना रीड मोर के बटन पे, तो ना यहीं पे ना कंटेंट चेंज हो जाए। तो कंटेंट चेंज करने के लिए हम इवेंट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्लिक करवाना है। और यहाँ देखो हमें क्या करना है, इसकी आईडी देनी है। आईडी में मैंने डाटा दे दिया, और यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट प्रिंट कराना है, रीड मोर की जगह कुछ और लिखवाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको जैसा इसमें देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ई कैपिटल रहेगा, बी कैपिटल रहेगा, आई कैपिटल रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ उसकी आईडी का नाम आ जाएगा डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो मुझे यहाँ पे हेलो डाटा प्रिंट कराना है, रन करके देखते हैं। तो जब कोई रीड मोर पे क्लिक कर रहा है तो हेलो डाटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंटेंट को चेंज कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ जब कोई क्लिक करे तो कोई सेक्शन ओपन हो जाए, तो मैंने क्या करा एक ना बट एक इनपुट बनाया, चलो एक डिप बनाया, डिप की आईडी दे दी, उसका नाम रखा हमने लोडर, ठीक है। हम सी एस एस दे देते हैं यहाँ पे, हैशटैग लोडर, और यहाँ पे लिखा मैंने इसकी विथ होगी 100%, इसकी मिनिमम हाइट होगी 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर होगा इसका ये वाला कलर, और रन करके देखते हैं क्या होता है, आउटपुट में क्या आ रहा है हमारा। ये कलर आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके अंदर इसमें दे रहा हूँ div id fill 1, बंद कर दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने hashtag fill 1, इसकी मैंने विड्थ दे दी 1%, और इसकी हाइट दे दी मैंने 1%, 100%, और मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया यहाँ पे ग्रीन। अब तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, फिल एफ आई डबल एल 1 लोडर के अंदर सी एस एस डॉम डॉट सी एस एस, और विथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, यहाँ मैंने अच्छा मिनिमम हाइट दे रखी है, हाइट कर देता उसको। हाँ तो ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, जिसे मैंने क्या करा 1% कर दिया, 1% आ रहा है। मैं चाह क्या रहा हूँ एक बटन हो जिस पे क्लिक करे तो ये पूरा फिलअप हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और डिप बनाया, हाँ नाम मैंने फिल 2 कर दिया, ठीक है, और सेकंड मैंने यहाँ पे इसी की कॉपी कर ली और इसको मैंने फिल 2 कर दिया, और इसकी विथ मैंने 99% कर दी। तो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो मैंने क्या करा, इसका जो पेरेंट था उसमें लिख दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये क्या हो रहा है, पूरा आ रहा है, फुल हो गया, ठीक है। अब मुझे बटन बनाना है जिसपे क्लिक करवाने पे ये लोड करवाना है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ बटन, तो यहाँ लिख दिया मैंने फिल। तो जब बटन पे कोई क्लिक करे तो फिल हो जाए। तो शुरू में मैंने क्या करा, इसको डिस्प्ले नन कर दिया, किसको, शुरू में मैंने इसकी विथ को कर दिया, विथ को कर दिया जीरो, 0%, ठीक है। तो अभी शुरू में नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मैंने क्या करा, इसमें लिख दिया ट्रांजिशन, मतलब टाइमिंग ले लेगा, चलो अभी ट्रांजिशन हटा रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जब इस पर क्लिक करे तो ये पूरा फिल हो जाए, तो मैंने लिखा बटन ऑन क्लिक, ये क्या हो, फिल 2, तो डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम फिल टू, अब सीएसएस ऐड करनी है, सीएसएस ऐड करने के लिए लिखते हैं फुल स्टॉप स्टाइल, ठीक है, डॉट क्या चीज चेंज करनी है, विथ चेंज करनी है, तो लिखा विथ इक्वल्स टू 99% सिंगल कोट्स में, हाँ, तो ये देखो ये आ गया, आ गया, कहाँ दे रहे हैं, वहाँ का दी मैंने, वहाँ जीरो कर दी मैंने, ठीक है, वहाँ जीरो है ये, समझ में आया, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एक सेकंड की, अब चेक करते हैं, फिल हो गया, आ गया समझ में, ऐसा कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं इसके अंदर, ये कह रहा है इसका हुआ है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो है अब इसके बाद, अब मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक भी हो जाए, खाली हो जाए, तो मैंने क्या करा, इसी की कॉपी कर ली और यहाँ मैंने बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया इसे, तो यहाँ फिल टू को मैंने डॉट स्टाइल को जीरो कर दिया, और कब करा, जब कोई यहाँ क्लिक करेगा ब्लैंक पे, तो फिल पे क्लिक किया तो ये ऐसा आया, ब्लैंक पे क्लिक किया खाली हो गया, आया समझ में, ठीक है, वही चीज करी जो मैंने यहाँ नीचे करी थी, यहाँ मैंने बस तरीका चेंज कर दिया, ड्रॉप डाउन बनाना है मुझे इससे, जावास्क्रिप्ट से बन जाएगा ड्रॉप डाउन, क्लिक करने पे क्या हो जाए, नीचे एक ड्रॉप डाउन आ जाए, तो मैंने इसी के नीचे एक डिव बना दिया, डिव आईडी इक्वल्स टू, और इसका नाम दे दिया ड्रॉप, और इसकी सी एस एस दे दी, हैशटैग ड्रॉप, और विथ 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, ये हाइट 400 पिक्सल, और अब आ गया हमारे पास ये, क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ लिखा बटन ऑन क्लिक, पहले मैंने इसकी हाइट कर दी जीरो, और बटन ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम ड्रॉप डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू और 400 पिक्सल, क्लिक करा ये आ गया, आ गया, मैंने क्या करा ट्रांजिशन लगा दी, चेक करते हैं, आ गया, मैं चाह रहा हूँ होवर पे आना चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा था, ऑन क्लिक हटा के ऑन माउस ओवर कर दिया, ओवर, तो होवर जाने पे आ रहा है, हटाने पे मैं तारों चला जाए वापस ऊपर चला जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी स्टेटमेंट देखो यहाँ बंद हो रही है, ये रही, मैंने यहाँ लिखा ऑन माउस आउट, और यहाँ लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है ड्रॉप डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू जीरो, हाँ ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, तो ओवर जाने पे ऐसा आ रहा है, हटाने पे वापस चला गया, तो ड्रॉप डाउन देखो बन के जाओ स्क्रिप्ट से, ठीक है, जो सी एस एस लगाते थे वही सेम चीज़ हमने इस पर लगा दी, तो ओवर जाने पे ये आ रहा है, ओवर जाने पे हटा रहे हैं, फिर चला जा रहा है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, तो वही चीज़ मैंने फिल्म में करी, वही चीज़ मैंने ब्लैंक में करी,
ऐसे ही मुझे वो जो मैंने चैट बॉक्स वाला बताया था वो भी मैंने इसी तरीके से करा था, तो यही यूज करना है तुम्हें, ठीक है? ऐसे अप्लाई अलग अलग चीज अप्लाई करके देखना भी बनाना है क्या। चैट बॉक्स? हाँ चैट बॉक्स ही बनाना है, ठीक है? चैट बॉक्स बना लेना, फिर कल मैं तुम्हें ना ये सिखाऊंगा कि क्लिक करने पे एक एक करके कैसे आ रहा है क्लिक करी आ रहा है ये लोड हो रहा ना, ये कैसे होगा, तो यही बनाएंगे पहले, ठीक है? मिनिमाइज से देखो बंद हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करने पे क्लोज हो रहा है, रिफ्रेश वाले आ रहा है इसमें और रिफ्रेश करने पे ये रिफ्रेश दोबारा से आ रहा है। सर क्या ऐसा कर सकते हैं, वीडियो लेंगे हाँ और जो बैकग्राउंड हाँ तो पहले इतना डिजाइन कर लो, ये इतना ऐसा बना लेना यस पूरा, फिर मैं इसमें मैं खुद ही करा दूंगा, सर। ठीक है? कर दो क्या? अपलोड। हाँ उसी में बना दूंगा। अपलोड कर।